हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर गुरुग्राम के सेक्टर 9 गवर्नमेंट कॉलेज पहुंचे, जहां पर गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग द्वारा 400 क्वार्टाइन बेड के वार्ड का सीएम ने निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वार्ड में जाकर देखा कि गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने किस तरह से तैयारी की हुई है। कोरोना को लेकर चिंता बनी हुई है कि कोरोना को किस तरह से रोका जाए, उसकी तैयारियां सब जगह पर्याप्त की जा रही है। इसी सिलसिले में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विश्वास दिलाते हुए कहा कि हरियाणा में जो भी आवश्यकता होगी उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि हरियाणा में अभी तक कोरोना का कोई ऐसा केस तो नहीं आया है जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो। वही विदेश से आने वाले लोगों के लिए सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस जिस जगह पर विदेश से आने वाले लोगों की संभावना है उन जगह पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वही हरियाणा में 6,500 क्वार्टाइन बेड तैयार किए जा चुके हैं। जो एक कोरोना को लेकर के जो चिंता बनी है उसकी तैयारियां सब जगह पर पर्याप्त की जा रही हैं कि हम उसको किसी तरीके से रोक पाएं। और मैं आपको एक विश्वासपूर्वक ये बात बता रहा हूँ कि हरियाणा में हम लोगों ने जो भी कोई आवश्यकताएं होंगी जिस प्रकार की भी उसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं, क्योंकि हरियाणा में अभी कोई केस ऐसा नहीं आया है जो इस प्रकार के वायरस से इन्फेक्टेड हो। लेकिन चूँकि विदेश से आने वाले जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन एक प्रकार से उनको अलग रखा जाता है ताकि उनके ऊपर नज़र रखी जा सके, मिनिमम पीरियड 15 दिन का उसका दिया हुआ है। और ये व्यवस्थाएँ सब जगह जहाँ जहाँ ऐसे विदेश से आने वाले लोगों की संभावना है उन जगह की गई है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि यदि कोरोना का कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो उसे आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। उसके लिए पूरे हरियाणा में अब तक 1300 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं। हालांकि सभी जिलों में अब निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले में 100 बेड आइसोलेशन की व्यवस्था की जाए। पूरे हरियाणा में लगभग 2500 बेड आइसोलेशन के रखे जाएंगे। वही मेदांता में भर्ती 14 विदेशी लोग और मानेसर के आर्मी कैंप में 83 लोगों की भी देखरेख की जा रही है। वही डॉक्टरों को लेकर सीएम ने कहा कि कोरोना वायरस एक इमरजेंसी का विषय है और सारे डॉक्टर जितने हैं उनका मुख्य ध्यान इसी कोरोना वायरस के मरीजों पर है। हॉस्पिटल में भी हमने आइसोलेशन के वार्ड भी बनाए हैं। मान लो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि वायरस इन्फेक्टेड कोई लोग मिलते हैं तो उनको एक प्रकार से आइसोलेशन में रखने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए भी 1300 बेड्स इस समय तक तैयार हैं। मैंने सब जिलों में निर्देश दिए हैं कि कम से कम 1000 बेड्स इसके तैयारी सब कर लें, और जो बड़े जिले हैं वहाँ 1000 से ज़्यादा 100 से ज़्यादा भी, हर जिले में 100 की बात मैंने कही है और 100 से ज़्यादा भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो कुल मिला के 2500 बेड्स इस प्रकार से आइसोलेशन के वो हम तैयार रखेंगे। अभी तक बहुत कम ऐसे वायरस इन्फेक्टेड जो लोग हैं। वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये भी कहा कि 200 से ज्यादा भीड़ पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोगों की सोशल फंक्शंस व मैरिज पर भी निगरानी रखी जा रही है। वही स्कूल कॉलेज भी बंद किए गए हैं, केवल परीक्षाएं ही कराई जा रही हैं। सिनेमाघर, नाइट क्लब, क्लब सभी को 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 31 मार्च तक ये सारी व्यवस्थाएं सावधानी के लिए रखी गई हैं। अगर इससे पहले स्थितियां ठीक होती हैं तो उसे रिव्यू किया जाएगा। स्थिति नहीं है अभी, तो मैंने बताया प्रिकॉशनरी है सब, और प्रिकॉशंस में ही होता है कि सब व्यवस्थाएं तैयार रखनी पड़ती हैं, सब सावधानियां हैं। उसके लिए हमने ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, 200 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो, ऐसे किसी कार्यक्रम में आए नहीं, जो मैरिजेज हैं, लोगों के सोशल फंक्शन हैं उसके लिए भी कहा है। स्कूल कॉलेजेस हमने बंद कर दिए हैं, केवल परीक्षाएँ जो हैं वो होंगी। और इस प्रकार से जो सिनेमा हॉल्स हैं उसको भी हमने बंद करने के लिए कहा है। तो 31 मार्च तक ये सारी व्यवस्थाएं सावधानी के लिए रखी गई हैं। अगर स्थितियां उससे पहले ठीक होती हैं तो निर्णय को रिव्यू भी किया जाएगा और आगे बढ़ाने की बात आएगी तो आगे भी देखेंगे। मध्य प्रदेश की बात। बहरहाल कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए खुद सूबे के मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में बने क्वार्टाइन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी अलर्ट पर रहे। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज़।